हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वैकेंसी की अपडेट देने वाला स्पेशल यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली की तरह आज भी आप सभी के लिए बहुत ही धाकड़ सैलरी वाली वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। आज की जो वैकेंसी है वो है सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है, और किस पोस्ट के लिए है? कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर के लिए लेटेस्ट वैकेंसी है। तो फ्रेंड, आप सभी को बता दें, भारतीय सुप्रीम कोर्ट यानी SCI ने बैचलर डिग्री वाले छात्रों के लिए कोर्ट असिस्टेंट या जूनियर ट्रांसलेटर की शानदार वैकेंसी निकाली हुई है। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको हम फुल डिटेल स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, इसलिए फ्रेंड वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखें, ताकि एंड में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। और आगे हम बताने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और आपको किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम डीपली देने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और फ्रेंड, यदि आप अपने करियर के लिए 5 मिनट का समय नहीं दे सकते, तो फ्रेंड आपको फुल फ्रीडम है कि आप वीडियो को यहीं से एंड करके स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी आधिकारिक सूचना देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI हैज़ इशूड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर 25 पोस्ट। ऑल द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल इन दिस सुप्रीम कोर्ट गुड जॉब कैन अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट www.main.sci.gov.in। तो फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। किस पोस्ट के लिए है? ये कोर्ट असिस्टेंट के लिए है, और जिसे जूनियर ट्रांसलेटर कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 25 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। फ्रेंड, इसमें आप पोस्ट पर मत जाइए, इसकी सैलरी बहुत ही शानदार है, और इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है www.main.sci.gov पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब आगे की क्या इंफॉर्मेशन है उसे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 18 अप्रैल 2022, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज 14 मई 2022, यानी 14 मई तक इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। लास्ट डेट जो है 14 मई है। और फ्रेंड, इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट क्या है? एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट लास्ट डेट है 14 मई, यानी 14/5/2022 है। और देखिए फ्रेंड, इसमें कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी कितना रिक्वायर्ड की गई है, अब देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी में जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो फ़ी रिक्वायर्ड की गई है वो है 500 रुपये। और वहीं पे देखिए, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ी पेमेंट करना होगा। और जो इसमें एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में होगा, चाहे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट जो है वो एज लिमिट का कैलकुलेशन किया जाएगा एज ऑफ 1/1/2021, यानी कि 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग आपके एज की आयु की गणना की जाएगी। और वहीं पे देखिए, इसमें मिनिमम एज जो होनी चाहिए कैंडिडेट की वो 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 32 यानी 32 साल होनी चाहिए। तो 18 से लेकर 32 साल के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे की क्या इंफॉर्मेशन है इसमें देख लेते हैं फ्रेंड। सबसे पहले वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 25 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए फ्रेंड, इस 25 पोस्ट के लिए किस प्रकार डिवाइड किया गया है उसे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें फर्स्ट नंबर जो वैकेंसी है उसमें देखिए, ट्रांसलेटर इंग्लिश इनटू असामीज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को असम लैंग्वेज में ट्ट्रांसलेट करने के लिए जो पोस्ट निकाली वो 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। वहीं पे देखिए, सेकंड नंबर देखिए, इंग्लिश इनटू
बंगाली यानी इंग्लिश से आपको बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए भी दो पोस्ट है, जिसे बंगाली आती है और इंग्लिश को बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है, उनके लिए दो पोस्ट है। इस प्रकार इंग्लिश इंटू तेलुगु दो पोस्ट, इंग्लिश इंटू गुजराती दो पोस्ट, इंग्लिश इंटू उर्दू ये भी दो पोस्ट, इंग्लिश इंटू मराठी दो पोस्ट, इंग्लिश इंटू तमिल, इंग्लिश इंटू कन्नड़ दो पोस्ट, इंग्लिश इंटू मलयालम दो पोस्ट, इंग्लिश इंटू मणिपुरी लैंग्वेज के लिए भी दो पोस्ट है। उसी प्रकार इंग्लिश इंटू उड़िया लैंग्वेज के लिए भी दो पोस्ट है और इंग्लिश इंटू पंजाबी लैंग्वेज के लिए दो पोस्ट है और इंग्लिश इंटू नेपाली के लिए भी एक पोस्ट है। फ्रेंड यहाँ पर नेपाली के लिए एक पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 25 पोस्ट है। तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है आपको एक इसमें आपको एक स्थानीय लैंग्वेज आनी चाहिए जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, और दूसरा इंग्लिश कंपलसरी है। तो इन दोनों को ट्रांसलेट करने के लिए ही जूनियर ट्रांसलेटर की ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि फ्रेंड ये आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में जॉब करने के लिए बहुत ही शानदार मौका है। तो चलिए अब आगे क्या इंफॉर्मेशन, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसे देखते हैं। देखिए फ्रेंड बहुत ही ईजी वे से आप सभी को इसकी डीपली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री विद इंग्लिश एंड रिस्पेक्टिव वर्नाकुलर लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट एंड रिस्पेक्टिव वर्नाकुलर लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, यानी कि आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए इंग्लिश के साथ साथ, वो भी बैचलर डिग्री यानी कि बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपके पास बैचलर ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी चाहिए दो लैंग्वेज में। एक तो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो उसकी स्थानीय लैंग्वेज यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और दूसरा इंग्लिश, क्योंकि इन्हीं दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और देखिए सेकंड नंबर इसी में आपके पास सेकंड स्टेप में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड, आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उस फील्ड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड नंबर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ऑफिस पैकेज VIZ वर्ड प्रोसेसिंग इन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह जो भी है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज आपके पास होना चाहिए वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज में आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग आना चाहिए। ये था आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और देखिए फ्रेंड अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कैंडिडेट विल अपीयर थ्रू द 3 राउंड टेस्ट, यानी कैंडिडेट जो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेगा उसे 3 राउंड से गुजरना होगा टेस्ट से, यानी 3 प्रकार के आपका टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट राउंड में देखिए ये फर्स्ट राउंड में रिटन टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 30 मार्क्स, यानी जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 30 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसी में देखिए फर्स्ट राउंड में आपको ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज, आपको इंग्लिश को आपके स्थानीय भाषा में लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए भी 60 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सेकेंड नंबर आपको ट्रांसलेट फ्रॉम वर्नाकुलर लैंग्वेज इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, आप जिस भी स्थानीय भाषा आपको आती है उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, इसके लिए भी आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको 60 मार्क्स इंग्लिश से आपको लोकल लैंग्वेज स्थानीय भाषा में और स्थानीय भाषा से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए 60 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार सेकंड राउंड में देखिए टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर एट 35 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट फॉर वर्नाकुलर लैंग्वेज 20 मार्क्स। तो फ्रेंड इस प्रकार आपको आपकी टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट किया जाएगा, वो भी देखिए इंग्लिश में टाइप करेंगे तो 35 यानी 35 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप कर लेते हूँ। और जो स्थानीय भाषा जैसे कि कई सारी भाषा आपको बता चुके कन्नड़ उड़िया मलयालम
ये सारी मणिपुरी है, ये सारी भाषाओं में आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद थर्ड राउंड में आपका वाइवा होगा या इंटरव्यू जिसे कहते हैं, ये भी आपको 30 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार आपको इंटरव्यू 30 मार्क्स के होगा, और जो टाइपिंग टेस्ट होगा दोनों भाषाओं में, वर्नाकुलर एंड इंग्लिश में आपको 20 को मार्क्स मिलेंगे, और ट्रांसलेटर दोनों लैंग्वेज में 60-60 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 3 राउंड में आपका सिलेक्शन होगा, यदि तीनों में क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि आपको फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करना है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको कुछ स्टेप बताते हैं जिसे फॉलो करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट main.sci.gov.in पर विजिट करना होगा, यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करना होगा। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में ऑन द होम पेज क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट होम पेज, जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे वहाँ पे होम पेज पर आपको उसके रिक्रूटमेंट यानी कि जो जूनियर ट्रांसलेटर के रिक्रूटमेंट होगा वहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना होगा, थर्ड स्टेप में देखिए, ऑन द रिक्रूटमेंट पेज क्लिक ऑन अप्लाई फॉर कोड असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर। आपको रिक्रूटमेंट पेज पर कहाँ पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको शो करता हो अप्लाई कोड असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर, तो इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर कोड असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर पे। फोर्थ स्टेप में जैसे ही यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, और फिर फोर्थ नंबर में फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा फॉर्म फिलअप करने के बाद, और जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए डॉक्यूमेंट जो भी आपसे इसेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की गए उसे आप अपलोड कीजिए, और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखिए पे द एप्लीकेशन फ़ी एंड सबमिट द फॉर्म। आप अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कीजिए और फाइनल सबमिट कीजिए, और जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे वहाँ पे आपको शो करने लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो जैसे ऐसे शो करने के बाद फ्रेंड डाउनलोड एंड टेक अ सेम पेज, तो फ्रेंड इसके बाद आपको अपना पेज डाउनलोड करना है, उसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म का पेज है उसे आपको डाउनलोड करना है, और उसका एक प्रिंटआउट निकाल लेना है क्योंकि आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था फ्रेंड आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल स्लो मोशन में आपको बताया गया है और स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।